सुरंगी रोड से भाई मैं आया हूँ और यहाँ पर हमने ज़ाहिर है मैंने यहाँ से मलिर हॉल्ट से शारा फैसल से आते हुए मलिर हॉल्ट आया हूँ। यहाँ से तनवीर को लिया है और तनवीर बेलम को लेके यहाँ से जिना एवेन्यू से होते हुए मलिर कैंट और उसके बाद जो है सुपर हाईवे पे हम चले आएँगे, जहाँ पर नॉर्दर्न बाईपास से यू टर्न लेके हम वापस हैदराबाद वाली सड़क पर आएँगे और हैदराबाद वाली सड़क से फिर जब तहसर टाउन पर आते हैं तो वो फिर रास्ता हमारी मंजिल को सीधा जाता है। मंजिल क्या है ये भी आपको नहीं बता रहे, आगे चल के आपको बताएंगे कि हमने कहाँ जाना है। आज तुम्हारा हमारा टूर है, हमारे साथ रहिए, चलें। तो भाई देखें ये सोहराब बोर्ड से सीधा रास्ता आ रहा है। आप सोहराब बोर्ड से जब सीधे सड़क पर आएंगे तो ये बिल्कुल देखें गडाब टाउन को और तहसर टाउन को लेफ्ट साइड पे आप रास्ता टर्न हो रहा है। यहाँ से जब आप टर्न करेंगे तो बकाई वाली सड़क है, ये बकाई की बैक साइड का रास्ता जो सीधा जो है गडाब की तरफ जाता है, गडाब सिटी, और गडाब सिटी के बाद आगे फिर वो है आज राइट हैंड पे जो मोड़ आएगा जो सीधा जो है फिर आपको जो है थड्डो डैम और उससे आगे जो है जो हमने नया आपको पॉइंट बताया लाहौती पॉइंट ले जाएगा। तो ये लोकेशन आगे चलते हैं आपको मजीद रास्ता समझाते हैं। से 15 किलोमीटर तक आगे चलते रहे और उसके बाद उल्टे हाथ पे कट आएगा, वहां से आपने कट लेना है। तो भाई हम ये वही ये बकाई यूनिवर्सिटी की तरफ से रास्ते से आ रहे हैं, हब डैम वाला ये रास्ता है, लेकिन आज हमारी मंजिल हब डैम नहीं है। आज हम जो एक नई जगह जा रहे हैं आपको थड्डो डैम दिखाएंगे और उससे आगे जो लाहौती पॉइंट बन गया था, अगर वहाँ पानी जमा होगा तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो अब यहाँ आए तो चश्मा के बारिश के बाद जो पानी जो यहाँ से बहता हुआ जा रहा है तो साफ़ पानी लगा, तो हमने कहा यार यहाँ आए तो ज़रा इस पानी में मुंह भी धो लें, ठंडा पानी है, साफ़ सुथरा पानी है, देखें तो बड़े मज़े का पानी है, ठंडा ठंडा। थोड़ा सा मौसम गर्म हो गया है तो यहाँ बाइक भी हमारी फंस गई थी, थोड़ी मट्टी है, तो हम आगे जाएंगे। अब ज़रा आगे आपको दिखाते हैं कि थड्डो डैम पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, चलें हमारे साथ। तो तन्नु मेरे ख्याल में ना हम जो है थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, ये थड्डो डैम का रास्ता है और अब हम यहाँ से अपने पॉइंट की तरफ चलेंगे लाहौती पॉइंट की तरफ, तो उसको हम जो है डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा रास्ता है। ये तो लोग आते जाते हैं तो अब उस रास्ते पे जाकर देखते हैं क्या है। चले भाई चले। भाई पानी फिर आ गया भाई, ये भी सड़क टूटी हुई है भाई, पानी आ गया पानी। तो भाई आपको ये दूसरा मकाम है जहाँ पानी मिला है और सड़क टूटी हुई है, ये सड़क क्या बह चुकी थी पानी। ये भाई मछलियाँ ढूंढ रहे हैं,
मछली मिली आपको, नजर आई? कहाँ पर है मछली? कहाँ है मछली? कहाँ यार, हमें तो नजर ही नहीं आ रही कौन सी मछली किधर है। अच्छा बस छोटी, लेकिन है मछली। तो भाई थड्डो डैम हम पीछे छोड़ के आ गए हैं। अब हमने कहा था कि बारिश के बाद आगे जो है वो लाहौती पॉइंट बना है, वहाँ हमारा रास्ता। लेकिन यहाँ है तो हमें ये लोकेशन अच्छी मिली है, नदी है, साफ पानी लग रहा है, बहता हुआ पानी आ रहा है। और मुमकिन है, ज़्यादा इम्कान ये है कि आगे जो है कीरथर की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से ये पानी बहता हुआ आ रहा है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा रुक कर जो है वो इंजॉय किया है, थोड़ा सा यहाँ पर सस्ता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, लाहौती पॉइंट आपको लेके जाएंगे। लेकिन ये पानी बहता हुआ जो है वो और यहाँ जो ग्रीनरी है वो आपको अब पुरसकून कर देती है। तो आगे चलते हैं, चलें। कैसे आपने बाइक उतारनी है यहाँ पर? तो बाइक चलाना यहाँ पर ना बड़ा मुश्किल काम है, तो जिसको बहुत अच्छी मार हो तो वही गाड़ी चलाइएगा यहाँ पर भाई। अकेले सुकून से बैठने का जो मज़ा है ना, या ये कह लें कि आप सुकून से यहाँ पर कुछ देर अपना जो है आराम कर सकते हैं, सुकून इस पानी के अंदर बैठ के आप जो है वो आपको जो सुकून और राहत फील होगा वो कहीं फील नहीं हो सकता। तो मैं भी काफ़ी देर से अकेले इस जगह पर, इस मकाम पर बैठा हूँ कि आगे जो है बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत थोड़ा सा सुकून ले लिया। अब यहाँ जो हमारे साथ दोस्त आए उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ गपशप लगाते हैं कि वो इस पानी में कैसे इंजॉय करते हैं, तो आपको बातचीत करवाते हैं। लाइव गिरा। तो भाई कहाँ से आए हो आप? हम लियारी से हैं। लियारी वाले दिल वाले बहुत ज्यादा। तो मजा आया दिल वालों को आज? बहुत ज्यादा, मतलब अनएक्सपेक्टेड जगह। हम तो वो एक है खुजदार में जगह चढ़ना, उसका नाम मोला चटो। मतलब इतना सफर करके जाए, यही चीज है, यहाँ आ जाए एक घंटे कराची से तो बड़ा मजेदार है। कौन 5-6 घंटे का सफर करे खुजदार के अंदर, ज्यादा पैसे एग्जैक्टली करे और यहाँ आ जाए, ये मजे ले ले। अपना कराची कब है क्या? सबसे आला आला। देखो भाई ये चल रहा है फोटो सेशन, दबा के लड़कों का ये बॉडी दिखा लड़के, ऐसा थोड़ी मजा आएगा। अच्छा नहीं नहीं लड़का शर्मा गया, लड़का शर्मा गया, लड़का शर्मा गया। आ जाओ भाई। चले भाई, ये भाई दो दोस्त, कहाँ से आए आप दोनों दोस्तों? अरे भाई लियारी वाले माशाल्लाह दबा के आए हैं आज, फुल एंजॉयमेंट है, पैसा वसूल। तुम्हें तो ऐसा लगाया हुआ जैसे मैं यूरोप के अंदर बैठा हुआ भाई, देखो इस पास। अरे भाई क्या बात बोली, वाह भाई वाह, अपने मन में चटू के उधर देखे भाई, एक और जगह दिखाए आपको, मैं पानी के अंदर घुमाता रहूंगा। ये देखे भाई, ये देखे भाई, तो ये बताएंगे भाई कितना मजा आ रहा है, थोड़ा आगे आइएगा। बयान के बाहर है, बयान के बाहर है, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मुझे इस वक्त कुछ अल्फाज लिया है आज। कुछ सुकून मिल रहा है, जितना सुकून मुझे लगता है मैं शायद 10-15 मिनट सो भी गया था पानी के नीचे। वाह भाई वाह, क्या बात। तो भाई ये आया है ग्रुप हमारे साथ, तो कैसा रहा अब तक का, जो तवक्कात थी पूरी हो गई भाई आप लोगों की? यार उससे ज्यादा इसलिए हो गई कि एक तो ऑफ रोडिंग का मजा आ गया, जो जगह जगह पे नहर की क्रॉसिंग थी ना
बाइक पे उतना तो चार चांद लगा दिए सफर को। हमारे साथ एक स्पेशल फोटोग्राफर भी आया है, हर जगह रुक रुक के फोटो खींचते रहते हैं। हम तो आपको सलमान खान कहते थे आज तक। सलमान खान चले, ये बताएं कि आप बाकी लग रहा था कि पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बार थोड़ा अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट अच्छा मिल गया पानी। मिल गया, कैसे वसूल हो गए? ज्यादा तो फिर कर रहे मुझे वापस में। तो ये लाहौती प्लेस है, इसको कुछ मकामी जबान में क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन ये कि कराची वालों ने इसको लाहौती पॉइंट का नाम दिया है। यहाँ का रास्ता बहुत मुश्किल है, आप जब खट्टो डैम से आगे की तरफ आते हैं तो रंगला जो है वो आप जो है ये कहने के गूगल लोकेशन देखते हैं, मैं उसके बावजूद लोगों से पूछना पड़ रहा है। और रास्ते में दो तीन पॉइंट ऐसे थे कि वो ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल से हमने बाइक निकाली है, पानी बहुत ज़्यादा था रास्ते में। फ्री क्रॉसिंग है ना, तीन नदियाँ क्रॉस करनी पड़ती है। हाँ, इसकी नदियाँ तीन जो है क्रॉस करनी पड़ती है, लेकिन असल मसला तो रास्ते का है। रास्ता भी इंजॉय किया और हमने अब यहाँ का जो है वो यहाँ आके इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और मैं आप सबको ये दरख्वास्त करूँगा या आपको मशवरा दूंगा कि भाई गर्मी है और आप आ जाए, पता नहीं कितनी देर ये पॉइंट रहता है क्योंकि बारिशों के बाद ये पॉइंट बना है, या हो सकता है पहले से। हम तो पहली बार आए हैं यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा मकाम कराची में कम देखने को मिलता है। हरियाली भी है, रास्ते में भी हरियाली है, आगे चले आए तो भैरिया टाउन में मिलता है और तीसर पहाड़ियों का सिलसिला है। तो बहुत हो गई व्लॉगिंग आपको, सॉरी आपको इसका जो इसकी जो लोकेशन है हम अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आना हो तो इस लोकेशन से यहाँ पहुँच सकता है। तो अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मैं जा रहा हूँ ना।